हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में कि एक फ्रेशर को कैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर सेक्शन होने चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एक रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, सीधा सा, सिंपल सा, जिससे कि अगर कोई भी रिक्रूटर या इंटरव्यूअर देखे उसको तो बहुत इजीली उसको समझ में आ जाए कि यस, इस सेक्शन के अंदर ये चीज है और ये वाला सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, ना तो ज्यादा वो कंजस्टेड हो और ना ही ज्यादा लेंथी हो। ठीक है, एक रिज्यूमे आपका मैक्स टू मैक्स 2 पेज का होना चाहिए एंड मिनिमम भी 2 पेज का तो होना ही चाहिए। ठीक है, ना इससे छोटा हो ना इससे बड़ा। सारी चीजें इस तरीके से कवर कर रखी हूँ कि जो जिस प्रोफाइल के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एकदम फिट आपका रिज्यूमे बैठता है। ठीक है, अनवांटेड चीजें कुछ भी होनी नहीं चाहिए और जो नेसेसरी है, जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके एक रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इम्प्रेशन जमाने के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए, वो पॉइंट भी आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं वन बाय वन, कौन कौन से सेक्शन आपके होने चाहिए एक रिज्यूमे के अंदर। सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो फ्रेशर के लिए है। हम एक एक्सपीरियंस के लिए कैसा रिज्यूमे होना चाहिए वो भी हम एक नए वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो इस वीडियो के अंदर सिर्फ फ्रेशर के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, देन आपके बारे में आपका एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होनी चाहिए, जिससे कि आपको कनेक्ट कर सके कोई भी रिक्रूटर या फिर कोई भी जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो भी अरेंज करा रहा है, वो आपसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, देन उसके बाद में आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हेडलाइन होती है naukri.com पे जैसे हेडलाइन होती है, फिर यहाँ पे वो भी आप डाल सकते हो, या फिर जो भी आप इंप्रेशन लगाने के लिए जो करियर ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आप 2 से 3 या मैक्सिमम 4 लाइन में आप उसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, देन उसके बाद में आपकी अकेडमिक के बारे में होना चाहिए कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कहाँ से 10th 12th की है, परसेंटेज कौन सी बोर्ड से किया है और कब किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिस्क्राइब करो। देन उसके बाद में आता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें, जैसे आईटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेक्निकल एक्सपोजर क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है, उन सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कवर करो। जैसे मैंने कहा था लैंग्वेज, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स, कौन कौन से किस किस पे मैंने काम किया है, ठीक है, एज ए फ्रेशर। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी जॉब हो आज के टाइम पे आपको टूल्स पे काम किया हुआ होना चाहिए, टूल्स तो आपको डिस्क्राइब करना ही, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप आईटी पे तो फिर आपके पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो होती है, वो चीज़ें यहाँ पे आप इस सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है अपनी लाइफ में, अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक, तो वहाँ पे भी आप वो कवर करो, अपने प्रोजेक्ट जितने भी किए हैं उन सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज खत्म हो जाता है, सेकेंड पेज पे आपका यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक, जो आपका रिज्यूम होता है, ऐसा ना हो कि एक जो सेक्शन है वो सेक्शन यहीं पे खत्म, ऐसा ना हो कि ये वाला जो चीज़ है वो नीचे आ गई, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। थोड़ा इस तरीके से अरेंज करो, पॉइंट ऐसा इस तरीके से रखो कि हाँ अच्छा लगे, ठीक है, हर एक पेज अच्छा लगे। एंड जो भी आपका जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन की एक खास बात ये होती है कि जहाँ पे फॉन्ट को बड़ा रखना उसको उस फॉन्ट को बड़ा रखो, जैसे यहाँ पे ये बड़ा है, और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है ये छोटा, ठीक है, अलग अलग लाइन के अंदर है, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, और कौन सा सेक्शन है, ये प्रोजेक्ट है, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, ठीक है, और इस तरीके से ये बैकग्राउंड कलर देके उस सेक्शन को थोड़ा डिवाइड।
राइट। अब ये सेक्शन हो गया, इसके अंदर अलग प्रोजेक्ट है, जैसे ये हो गया 1, 2, ठीक है। अब इसके अंदर कम फॉन्ट साइज के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कम टेक्नोलॉजी यूज की है, कम कौन सी लैंग्वेजेस यूज की है, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन और ये प्रोजेक्ट के बारे में सेकेंड प्रोजेक्ट। फिर जो सेक्शन आपका आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कि आपने अब तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या आपने एक्टिविटीज की है, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे अकेडमी में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा स्किल्स पे अगर आपने कहीं पे भी वर्क किया तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। रोबोटिक्स में अगर आपने काम किया है या फिर कहीं पे भी आपने कुछ अचीव किया तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हो। नाउ देन जो आपका सेक्शन होता हुआ था पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में आप अपने डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, हॉबीज के बारे में आप लिख सकते हो, मदर फादर नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो मेन चीज़ें हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपके कौन कौन से टेक्निकल एक्सपोजर है और अकेडमिक डिटेल्स क्या है वो आप यहाँ पर डालो, और आपको जो पर्सनल डिटेल्स जिससे कि आपको कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, तो रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे, अगर ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव हो तो आप वो सेक्शन में डाल सकते हो, पॉइंट बना के भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड नीचे नीचे आपका नाम एंड प्लेस के अंदर आप कहाँ पे हो और दोस्त चीजें जो ध्यान में रखनी है कि फोटो जरूर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम shaadi.com के लिए नहीं बना रहे हैं फोटो, हम रिज्यूमे के लिए बना रहे हैं, हमें जॉब के लिए चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी स्किल्स मैटर करती है, हमारी फोकल मैटर नहीं करती, हमारी फोटो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो फोटो बहुत सारे लोग डालते हैं, ठीक है, बट अगर आप नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड जो चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे कुछ कलरिंग करनी है तो यहाँ पे आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा कोई दूसरा कलर भी आपको यूज में नहीं लेना है, ठीक है। ब्लू कलर नॉर्मल सा आप इसको ले सकते हो, ज़्यादा कलरिंग भी नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन अलग अलग कलर्स बना रखा है, ठीक है, ज़्यादा कलर यूज नहीं करना। मैक्स टू मैक्स ये सेक्शन इसका क्या नाम है ये आप इसका कलरिंग कर सकते हो, नॉर्मल से ब्लू कलर यूज आप ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट होता है, ठीक है। या फिर रेड हो गया वो उस तरीके से आप ले सकते हो, ज़्यादा सर एक है वो इससे ज़्यादा वो कलर नहीं लेना है। बाकी ब्लैक होना चाहिए, फॉन्ट बोल्ड जहाँ पे करना है उसको आप बोल्ड कर सकते हो, और नॉर्मल फॉन्ट इस तरीके से ब्लैक, बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप वीडियो बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक रिज्यूमे के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक एक्सपीरियंस बंदे को कैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए, क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।